OSPF कंडीशनल डिफॉल्ट राउट टेस्ट करने जा रहे हैं, उसके लिए हमने R1 के ऊपर एक IP राउट लिखना होगा, IP राउट, और IP राउट 0.0.0.0 0.0.0.0, और हमने लूप बैक 3 के ऊपर इसको ड्रॉप कर दिया। ऐसा करने से शो IP राउट के अंदर यहाँ पर स्टैटिक में अगर हम देखेंगे तो शो IP राउट स्टैटिक के अंदर एक एंट्री हमारे पास मौजूद हो जाएगी, ये वाली एंट्री। हमने बताया था कि अगर हम इसको ऐसा करें कॉन्फिग टी पर जाने के बाद, यहाँ पे हम लिखें राउटर OSPF, और राउटर OSPF 10 लिखने के बाद अगर यहाँ लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक सबनेट, तो ये R2 के अंदर या R3 के अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम कमांड चलाते हैं शो IP राउट OSPF, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डिफॉल्ट राउट मौजूद नहीं होना चाहिए, डिफॉल्ट राउट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता ना। शो IP राउट को इतना लिखें तो गेटवे ऑफ लास्ट रिसॉर्ट्स कहीं सेट करता है, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। यानी हमें बताया कि ऐसा करने से डिफॉल्ट राउट विल नॉट इंजेक्ट, अगर हम इतना लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड स्टैटिक तब नहीं जाता, हमें डालना पड़ता है कमांड डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट ऑलवेज जिसके पास डिफॉल्ट राउट है। तो R1 के पास डिफॉल्ट राउट है तो इस कमांड की ज़रूरत नहीं है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और इसको ये कर हटा देते हैं यहाँ से। हमारे लिखते हैं हम डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट, डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट। ऐसा करने से व्हाट विल हैपन, R3 के पास डिफॉल्ट राउट पहुंच जाएगा, गेटवे ऑफ लास्ट रिसॉर्ट यहाँ सेट हो चुका है, और नीचे बॉटम पे डिफॉल्ट OE2 से पहुंच जाएगा जिसकी मैट्रिक आपके पास 1 होगी। वेट करें, यहाँ पे आपके पास इसकी मैट्रिक 1 मौजूद है, यहाँ पे 1, इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे मैट्रिक टाइप के बारे में। और यही इन्फॉर्मेशन अगर हम R4 पर देखते हैं तो शो IP राउट OSPF के अंदर यहाँ पे भी एंट्री बॉटम पे आ जाएगी, डिफॉल्ट राउट की एंट्री यहाँ पे भी आ चुकी है। R5 पे अगर हम देखते हैं, R5 पे भी आ चुकी है शो IP राउट OSPF, यहाँ पे भी आ चुकी है, ये एंट्री मौजूद है। R6 पे देखते हैं, R6 पे भी आ चुकी है शो IP राउट OSPF, शो IP राउट OSPF, तो ये सारी जगह पर एंट्री पहुंच चुकी है। अब इसको चूंकि दो जगह से नज़र आ रहा है, बिकॉज एक यहाँ से और एक यहाँ से, अगर हम ऐसा करें कि R1 पे जाने के बाद उस लिंक को डाउन कर दें, यानी इंटरफेस लूपबैक 3 को, बिकॉज अभी हमने लूपबैक 3 पर लिया होगा, रियल सिनेरियो में किसी फिजिकल इंटरफेस पर होगा, शट किया यहाँ से, शट करने से व्हाट विल हैपन, R1 से शो IP राउट स्टैटिक के अंदर उसकी एंट्री जा चुकी है। तो क्या होगा कि कंडीशन थी हमारे पास जो हम टेस्ट कर रहे थे, कंडीशनल डिफॉल्ट राउट, कि जब स्टैटिक राउट की मौजूदगी हो तब वो आगे प्रोपगेट करे। तो अब ना तो R3 के पास ये राउट मौजूद होगा, अगर हम देखेंगे तो R3 से राउट जा चुका है, इसकी राउटिंग टेबल में मौजूद नहीं है। R4 पे हमने टेस्ट किया था ये राउट बॉटम पे, बिल्कुल R4 के ऊपर ये मौजूद नहीं होगा, नीचे ही मौजूद नहीं है। और गेटवे ऑफ लास्ट रिसॉर्ट चेक करना चाहें तो वहां पर आपके पास कमांड चलाना पड़ेगा शो IP राउट, यहाँ पे गेटवे ऑफ लास्ट रिसॉर्ट्स भी सेट नहीं होगा, नॉट सेट लिखा होगा, नॉट सेट। R6 में दो एंट्री आ रही थी, ये दोनों की दोनों एंट्री गायब हो चुकी होंगी, दोनों गायब हो चुकी हैं, कहीं मौजूद नहीं है, गेटवे ऑफ लास्ट रिसॉर्ट नहीं है। तो अगर इस लिंक को दोबारा लाया जाए तो ये दोबारा आ जाता है, यानी ये कंडीशनल हो गया कि जब स्टैटिक राउट की एंट्री होगी तब वो डिफॉल्ट राउट को इंजेक्ट करता है। गेटवे ऑफ लास्ट रिसॉर्ट सेट नहीं है, हम देखते हैं कि अब गेटवे ऑफ लास्ट रिसॉर्ट सेट हो गया होगा, ये सेट हो चुका है, बट हम चाहते हैं कि इसको परमानेंटली कर दें, यानी परमानेंट डिफॉल्ट राउट। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक कमांड को एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, जो राउटर जनरेट कर रहा है उसके अंदर एक ऑलवेज कमांड ना डालनी पड़ेगी कॉन्फिग टी पे जाने के बाद, राउटर OSPF आपके पास 10, और ये ओरिजिनेट ऑलवेज इज दी कमांड। ऐसा करने से अभी ये राउट परमानेंटली रहेगा, R1 में हम जाने के बाद अगर इसको डाउन भी कर दें, सीरियल जो आपके पास लूप है कि इसको शट भी कर देते हैं, शट करने के बाद भी इसकी पोजीशन जो मौजूद है ये मौजूद रहनी चाहिए, यह रटना नहीं चाहिए यहाँ से। तो डाउन हो चुका है, रूट मौजूद है, यहाँ पर भी दो रूट मौजूद होने चाहिए हमारे पास डाउन होने के बाद डिफ़ॉल्ट के, ये दोनों राउट मौजूद हैं। R3 पर भी मौजूद होना चाहिए, R3 पर भी बॉटम में रूट आ जाएगा,
तो ऑलवेज कमांड डालने के बाद आपके पास जो डिफॉल्ट राउट था वो परमानेंटली इंजेक्ट हो जाएगा।